बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है ये प्रॉब्लम नंबर 7 और प्रॉब्लम नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, यानी प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, और आईकॉम पार्ट 1 सुहेल अफजल बुक से ये प्रॉब्लम्स हम कर रहे हैं। फिगर में आपको जो है वो चूँकि हर साल चेंज हो रही है, तो उसके अंदर रकम में यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो सकता है कहीं ना कोई, यानी डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं, उससे आपने टेंशन नहीं लेनी है। आपने क्वेश्चन को समझ लेना है और उसके अकॉर्डिंगली आप इसको सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे दूंगा किसने आइटम ने किस तरफ जाना है, बाकी फॉर्मेट और तरीकेकार वो पिछली वीडियोज़ में हम आपको डिटेल में बता चुके हैं। लास्ट में आपको मैं आई बटन में यहाँ पर इसको दिखा दूंगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख भी पाएंगे अगर आपको ज़रूरत हुई तो। अच्छा, अब इसमें देखें, इसमें वाजह तौर पर उसने यहाँ बता रखा था कि डेबिट है साइड और ये क्रेडिट साइड, क्योंकि उसमें डेबिट और क्रेडिट उसने वाजह तौर पर मेंशन किया हुआ है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। बात कर रहा है कि फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ इरफान ब्रदर्स, इरफान ब्रदर्स इज द नेम ऑफ द बिजनेस, और इसके हमें 31 दिसंबर 2015 पे उसने ट्रायल बैलेंस दे रखी है। क्लोजिंग स्टॉक उसका है 5,000। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट एट दैट डेट। आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनानी है इसी डेट पर, तो कंप्लीट फाइनल अकाउंट का जो भी स्टेटमेंट्स है वो बनेगी। इसमें आप देखें, सबसे पहले ड्राइंग यहाँ पे दे रखा है, और ड्राइंग जो है वो बैलेंस शीट में कैपिटल में से लेस हो जाएगी। ठीक है, ये रकम है इसकी। कैश है तो ये एसेट है, करंट एसेट है, बैलेंस शीट में करंट एसेट में शो होगा। गुडविल आपका फिक्स्ड एसेट में जाएगा, और ये इंटेंजिबल एसेट होता है। इसकी क्या होती है, इसके ऊपर डिटेल में हम पहले बात कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज़ में। परचेजेस हैं तो ये ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर जाएंगे। इसी तरीके से बाकी आपका स्टॉक है, इसके साथ अगर आप देखें तो खाली स्टॉक है, लेकिन उसने ब्रैकेट में 1/1/2015, मतलब ये यकम जनवरी 2015 उसने चूंकि साल के शुरू की डेट दी है, तो इसका मतलब यहाँ से पता चल रहा है कि ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, ओपनिंग स्टॉक है, क्योंकि क्लोजिंग वैसे भी बाहर दे रखा है उसने, तो 5,000 ये वाला। तो क्लोजिंग स्टॉक ये जो है ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर जाएगा, और करंट एसेट साइड पर जाएगा, दो जगह, जबकि ये एक जगह जाएगा और ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर। बिल्डिंग है तो ये फिक्स्ड एसेट है, बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट साइड पर जाएगा। फ्रीट है तो ये ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे। डेटर्स करंट एसेट है। ट्रेड एक्सपेंसेस आपके पास जो है ये जनरल एक्सपेंसेस होते हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। ट्रेड से ट्रेडिंग के साथ इसको जो है वो कंफ्यूज नहीं होना कि ट्रेड है तो ट्रेडिंग में जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है, इसके ऊपर हम बात पहले वीडियोज़ में कर चुके हैं। सेल्स रिटर्न्स है तो ये सेल्स में से जो है वो लेस हो जाएगी, ये सेल्स दे रखी उसने और जो कि ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे शो होती है, और इसी सेल्स में से ये सेल्स रिटर्न्स लेस हो जाएंगी। बैंक ओवरड्राफ्ट है तो मतलब ये बैंक अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है जो कि लाइबिलिटी है हमारे ऊपर, और इसे हम बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटीज़ में शो करेंगे। सेल्स का बता दिया। कैपिटल है तो ये फिक्स लाइबिलिटी के बैलेंस शीट में जाएगा। परचेजेस रिटर्न्स है तो जो परचेजेस आपको ये दे रखी हैं, इस परचेजेस में से ट्रेडिंग अकाउंट में लेस हो जाएंगी ये। और बिल्स पेबल है तो ये करंट लाइबिलिटीज़ हैं। इसी तरीके से आप ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, और उसके बाद बैलेंस शीट, तो आपको आंसर्स मिलेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट जो जीपी है वो 17,750 आएगा, एनपी जो कि नेट प्रॉफिट है वो आपके पास 10,750 आएगा, और बैलेंस शीट आपके पास जो है उसकी दोनों साइड्स का जो बैलेंस होगा वो 73,000 पर ये क्लोज होगी। तो ये अच्छी तरीकाकार, इसके मुताबिक आप इसको जो है वो देख लीजिएगा और इसको आप करके और आंसर हमारे साथ कमेंट्स में शेयर कीजिए। एग्जाम्पल 8 अगर आप देखें तो इसमें प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है फॉर द ईयर एंडेड 30th June 2015 एंड द क्लोजिंग स्टॉक जो है वो इसमें 10,000 है। 30 June 2015 पे आपके पास जो है वो इसमें इस डेट पर आपको जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है इसका, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जबकि बैलेंस शीट उसने नहीं की। तो क्लोजिंग स्टॉक उसने दे रखा है, दो जगह जाता है, लेकिन चूंकि बैलेंस शीट तो बननी नहीं है लिहाजा ये एक हम शो करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पर, बैलेंस शीट तो बननी नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली इसको बैलेंस शीट में जाना होता है। इसमें भी अगर देखें तो इसने कॉलम जो है वो डेबिट और क्रेडिट के हिसाब से दे रखे हैं। कैश आपके पास है तो इसमें कैश उसने जो है वो एसेट है, करंट एसेट, और बैलेंस शीट में जाएगा। डेटर्स हैं तो ये भी हमारे करंट एसेट है, बैलेंस शीट में जाएंगे। क्रेडिटर्स हैं तो ये करंट लाइबिलिटीज़ हैं, बैलेंस शीट में जाएंगे। प्लांट फिक्स्ड एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगा। कस्टम ड्यूटी है तो ये ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे, जबकि सैलरीज हैं तो ये प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे। ट्रक्स हैं तो ये एसेट हैं, ठीक है। व्हीकल्स हैं हमारी तो, और ये फिक्स्ड एसेट में जाएगा। बैंक लोन है तो ये करंट लाइबिलिटीज़ में जाएगा। फर्नीचर है तो ये फिक्स्ड एसेट है। और सेल्स है तो ये ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, जबकि परचेजेस है तो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर ये जाएंगे। उसके बाद कुछ आइटम और हैं, जैसे कैपिटल है यहाँ पर तो ये फिक्स्ड लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट में जाएगा। और रिपेयर्स है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर जाएगा, जबकि इंश्योरेंस है तो ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर जाएगा। तो ये कुछ आइटम है, इसमें अगर आपको बैलेंस शीट नहीं बनानी तो उनको आप इग्नोर करते जाएंगे और बाकी आइटम को आप एडजस्ट करेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। अगर आप आंसर लेंगे तो आंसर आपका ग्रॉस प्रॉफिट का आंसर जो है वो ये आपके पास आएगा 10,21,10, यानी कि 1,21,000 कितना बनेगा, 1,02,110, ठीक है।
1,02,110 बन जाएगा, और उसके बाद जो नेट प्रॉफिट है ये आपके पास 73,170 बन जाएगा, जबकि बैलेंस शीट जो है वो 1,70,350 जो है ये बन जाएगी, तो 352। ठीक है, तो इस पे ये आपके पास जो है वे टोटल आपके बैलेंसेस होंगे। अगर ये बैलेंसेस आपके पास आ रहे हैं तो इनको आप चेक कर लें, आप कमेंट्स में हमारे साथ आंसर्स में शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट्स में लिखिए ताकि हम उसको क्यूरी को आंसर करें। इस हवाले से जो है लास्ट जो वीडियो अगर आपको चाहिए तो वो ये आई बटन यहाँ पे वो शो कर दी गई है, इसको क्लिक करें और इस वीडियो को देख लें। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो उसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ, अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो उसको आप डिसलाइक करें। वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।